हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे चैनल पर छोटी मोटी भूख के लिए नाश्ता बनाने वाले हैं, जो कि आप कभी भी बना सकते हैं। नाश्ते में बनाएं या दिन में कभी भूख लगी तो ये बना सकते हैं। तो अपन बनाना शुरू करते हैं। वेज पॉकेट्स बनाने के लिए 1 किलो कच्चे केले लिए, और इनको मैंने धोकर ऊपर नीचे से कट किया है ताकि कच्चे केले जल्दी बॉयल हो जाएंगे। और बॉयल करने के लिए मैंने यहाँ पर इनको कुकर में डाल दिया है। अब इनको कुकर में डालकर अपने को 2 सीटी मीडियम आंच पर लेनी है। उससे पहले मैं यहाँ पर 1 टीस्पून जितना इनमें नमक डाल रही हूँ और 1 ग्लास पानी डालकर इनको अपन बॉईल कर लेते हैं। ये अपने केले बॉईल हो चुके हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से बॉईल हुए हैं। चम्मच से मैं कट कर रही हूँ तो एकदम ईजीली कट हो रहे हैं, और इस तरीके से दबाया तो ये दब रहे हैं। अब अपन स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है और गैस ऑन किया है। गैस की फ्लेम मीडियम पे है। 2 टेबल स्पून जितना मैं ऑयल डाल रही हूँ, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। ऑयल गर्म हो गया हल्का सा, 1 टीस्पून जितनी मैंने सौंफ ली, 1-2 पिंच हींग, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और भुना पिसा जीरा पाउडर लिए 1 टीस्पून जितना, और 1 टेबल स्पून भर के मैंने लाल मिर्च ली। कुछ वेजेज लिए हैं, कॉर्न और मटर जो पहले से ही बॉयल है, और कैप्सिकम और एक हरी मिर्च चॉप ली। इनको डालकर अपन हल्का सा सौते कर लेते हैं। वेजीज आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। आप इसमें चीज़ भी डाल सकते हैं, पनीर भी डाल सकते हैं, कैबेज भी डाल सकते हैं, जो आपके बच्चे पसंद करते हैं वो ले लें। इसको मैंने 1-2 मिनट ढककर कुक किया। अब इसके अंदर मैं 1.5 टीस्पून जितना सॉल्ट डाल रही हूँ। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने केले को मैशर से मैश कर लिया है। अब अपन उस वेजीज के साथ इसको डालकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसके अंदर मैं 1 टीस्पून जितना चाट मसाला डाल रही हूँ। आप चाहे तो मैगी मैजिक मसाला भी डाल सकते हैं, इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैं खटाई के लिए 1/2 टीस्पून जितना अमचूर पाउडर डाल रही हूँ। आप खटाई के लिए नींबू भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने कुछ धनिया चॉप लिया है, ये ऊपर से डालकर इसको मिक्स कर लेते हैं। ये अपनी स्टफिंग रेडी। अब अपन डो देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर 2 कप आटा लेकर और इसमें नमक और 1 टीस्पून जितना ऑयल डालकर सॉफ्ट डो तैयार कर लिया। मैंने यहाँ पर एक बाउल में 2-3 टेबल स्पून रूटीन वाला जो रोटी का आटा होता है वो लिया है। अब अपन इसका एक बैटर तैयार कर लेते हैं। मैंने इसमें 3-4 टेबल स्पून पानी डाला और इस तरीके का स्मूथ बैटर तैयार कर लिया। इसको अपन अभी साइड में रखते हैं। अब अपन वेज पॉकेट्स के लिए शीट तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने एक बोल लिया है डो का, नींबू के जितना साइज़ का लिया मैंने। आप छोटा बड़ा कैसा भी ले सकते हैं। इसको अपने को एकदम पतला बेलना है। देख सकते हैं मैंने एकदम पतला बेल लिया। इसकी थिकनेस ऐसी है, जब आप इसको हाथ में लें तो आपका हाथ आर पार दिखे, इतनी पतली चाहिए। साइड बाई साइड मैंने तवा भी गर्म करने रख दिया है। अपना तवा भी गर्म हो चुका है। अब अपन ने जो रोटी बेल के रखी है इसको ऊपर डाल देते हैं। अपने को कितनी सेकनी है, एक तरफ से इस तरीके से हुई तो इसको पलट दे, और दूसरी तरफ भी अपने को इतना ही सेकना है बस। अब अपन इसको हटा देते हैं। इसी तरीके से अपन सारी शीट्स तैयार कर लेते हैं। मैंने ये इतनी सारी शीट्स तैयार कर ली, आप देख सकते हैं। अपनी ये शीट्स तो तैयार हो गई। अब अपने को पॉकेट्स तैयार करने हैं। तो पॉकेट्स तैयार करने के लिए मैंने एक चपाती ली है। इसके ऊपर मैं 1 टीस्पून जितना सॉस डालकर इसको चारों तरफ अच्छे से फैला देते हैं। आप पुदीने की चटनी या इमली की चटनी भी यहाँ पर लगा सकते हैं। अब अपन ने जो स्टफिंग तैयार करी उसका मैंने इस तरीके से एक बड़ा पीस चौकोर बनाकर रख लिया। अब अपने इसको पॉकेट्स की तरह पैक करना है। तो ये अपनी आटे और पानी की सलरी तैयार करके रखी है। ये एक तरफ मैंने फोल्ड करा और इसके ऊपर ये लगा दिया है। अब दूसरी तरफ इसको अपने को अच्छे से प्रेस करके चिपकाना है। अब अपने को ऊपर नीचे से भी इनको चिपकाना है, तो वही अपने आटे और पानी का गोल लगाकर इनको अच्छे से चिपका दे। इस तरीके से अपन सारे पार्सल तैयार कर लेंगे। इसको आप 5 मिनट ऐसे ही रेस्ट करने रख देंगे, फिर अपन इसको शैलो फ्राई करेंगे। आप डीप फ्राई करेंगे तो भी ये खुलेंगे नहीं पार्सल। देख सकते हैं इतना परफेक्ट अपना पार्सल बनकर तैयार है। इसी तरीके से मैंने सारे पार्सल बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब अपन इनको शैलो फ्राई करते हैं। शैलो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन लिया। आप इनको तवे पर भी शैलो फ्राई कर सकते हैं। मैंने घी से इसको अच्छे से ग्रीस कर दिया। आप ऑयल या बटर भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अभी अपना गर्म हो चुका है। अब अपन ने जो पार्सल तैयार करके रखे हैं कि इस तरीके से पहले आप उल्टा रखें ताकि एकदम अच्छे से सिकाई हो। इसको अपने को लो फ्लेम पर ही सेकना है।
और मैंने इनको ऊपर से भी घी से अच्छे से इनको ग्रीस कर दिया। अब अपने इसको लो फ्लेम पर सिकने देते हैं। ये अपने एक तरफ से सिक चुके हैं, इनको अपन पलट देते हैं। देख सकते हैं बहुत ही अच्छी सिकाई हुई है। दूसरी तरफ से भी अपन सिकाई कर लेते हैं। ये अपनी दूसरी तरफ से भी सिकाई हो चुकी है। अपने पार्सल बिल्कुल तैयार है। इसी तरीके से अपन सारे पार्सल तैयार कर लेंगे। ये अपने वेज पॉकेट्स बनकर तैयार है। देख सकते हैं बहुत ही डिलीशियस लग रहे हैं और बहुत ही झटपट तैयार हो जाते हैं। मैंने यहाँ पर शीट तैयार करके किया है। आप चाहें तो आपके पास अगर लेफ्ट ओवर चपाती है तो आप ये बहुत ही जल्दी तैयार कर सकते हैं और वैसा ही टेस्ट आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक शेयर और कमेंट करके बताएं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।